हेलो, मेरा नाम अमीशा मारू है। मैं फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ, एम्स न्यू दिल्ली में। अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे फादर का नाम है डॉक्टर हरीश मारू। वो फिजिशियन है, भिलवाड़ा राजस्थान में काम करते हैं, स्वास्तिक हॉस्पिटल में। थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले रात को अनफॉर्चुनेटली किसी लड़की की डेथ हो गई थी। जो भी बात हो, जिस भी डॉक्टर की गलती हो या चाहे ना हो, उसके बारे में अभी पता नहीं है, बट सिचुएशन इतनी ज़्यादा हाइप हो गई थी कि उस डॉक्टर को हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए अपने बाकी दो डॉक्टर्स को बुलाना पड़ा। IMA एक ग्रुप होता है डॉक्टर का, उसकी तरफ से मेरे पापा वहाँ पे गए थे। वहाँ पे वो मॉब इतना ज़्यादा वॉयलेंट हो गया, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया कि पता नहीं ऐसा क्या भगदड़ मची, या फिर ऐसा क्या उन्होंने अटैक किया कि पापा गिर गए और ही सफर्ड द वर्स्ट फ्रैक्चर विच कुड बी पॉसिबल। उनकी कोहनी पे, एल्बो पे इतना गंदा फ्रैक्चर हुआ है, पूरा हाथ, पूरी हड्डी टूट गई है। मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगी। बट अब आप देख रहे हैं, ना तो उनकी गलती थी, ना उनका पेशेंट था। वो वहां पे सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल करने गए थे, और उनको क्या मिला? एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि पापा पूरी सिटी में, पूरे भिलवाड़ा में इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड इंसान हैं, इतने ऑनर्ड हैं, इतने पेशेंट्स उनको ट्रस्ट करते हैं। पास के इतने सारे गांव से डॉक्टर्स वगैरह, पेशेंट्स वगैरह आते हैं उनको ट्रीट कराने। ही सच एन रिस्पेक्टेबल ऑनर्ड पर्सन, इसीलिए शायद उनको बुलाया था वहां पे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। लोग उनकी सुनेंगे, बट उनका उल्टा उनको क्या मिला? कुछ नासमझ लोगों की वजह से, जस्ट फॉर अ मोमेंट्री एंगर, उनको इतना बड़ा लॉस सफर हुआ। आपको पता है, एक डॉक्टर के लिए उसका हाथ, उसका दिमाग, उसकी आंखें कितनी ज्यादा प्रेशियस होती है। पूरी प्रैक्टिस की धज्जियां उड़ गई है। मेरी खुद की फैमिली में मैं और मेरे दो भाई बहन और हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, बस इसीलिए ताकि हम इन लोगों के साथ में अपनी जान की बाजी लगाकर खेलें। मेरे को सच में 2 दिन से क्वेश्चन हो जा रहा है कि मैं क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, क्यों डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगर ऐसे ही अभी तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है डॉक्टर बनने का, और ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही लोगों के साथ होता रहा ना, तो आगे वाली पीढ़ी में आपको अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, देख लेना। आने वाले महीनों में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ज्यादा इफेक्ट होने वाली है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे कोई सिंपथी नहीं चाहिए, जस्ट मैं लेजिट एंगर दिखाना चाहती हूँ ऐसे लोगों की तरफ। और ये लॉस कोई सिर्फ मेरे फादर का या फिर मेरी फैमिली का नहीं हुआ, ये लॉस उन सारे पेशेंट्स का हुआ है जिनको अब उनकी सर्विस नहीं मिल पाएगी। यू नो व्हाट, कोविड सेंटर जो है भिलवाड़ा में, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, सबसे फर्स्ट इनिशिएटिव पापा ने लिया था। एंड नाउ अब आने वाले जो भी सीरियस पेशेंट, कोविड पेशेंट, जिनकी जान शायद पापा बचा सकते थे, भगवान ही शायद अब उनकी हेल्प करेगा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि लॉस बहुत बड़ा हुआ है हमारी फैमिली से, ज़्यादा लॉस आई वुड से कि सोसाइटी और भिलवाड़ा को हुआ है। तो आगे से प्लीज़ थोड़ी सेंसिबिलिटी रखिए, आपको सोसाइटी में रहना आना चाहिए। एक डॉक्टर को कैसे ट्रीट करते हैं वैसे ट्रीट करना आना चाहिए। आपने एक अपने गुस्से की वजह से उसके आने वाली पेशेंट्स की और उसकी खुद की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ करा है ना, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आगे से ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी।